आपकी, मेरी और इस दुनिया में जीते जागते सांस लेते हर एक बशिंदे की उम्र तय होती है। बेशक इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि 100 साल से ज्यादा जी पाते हैं, लेकिन अफसोस हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जो 100 साल से पहले ही इस धरती से और अपनी जिंदगी से रुखसत हो जाते हैं। बेशक हम इंसान हैं और क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी कई तरह की ख्वाहिशें होती हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस हमारे वक्त और उम्र की कमी से हम उसे पूरा नहीं कर पाते। कुछ इसी तरीके से आने वाले कई हजार सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं होंगी जो कि आप अपनी आंखों से देखना और महसूस भी करना चाहेंगे, लेकिन अफसोस हमारी उम्र तय है और हम उस वक्त तक नहीं रहेंगे। तो आज के वीडियो का सवाल ही यही है कि आने वाले कई हजार सालों में ऐसी क्या क्या घटनाएं होंगी जिसे हम देख नहीं पाएंगे। तो काफी खुशी और अफसोस के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कूपन करो हमारी टीम द्वारा बनाया गया महज 3 MB का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको मिलता है सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, स्नैपडील और भी कई सारे, जो कि आपके मोबाइल के रैम, स्टोरेज और बैटरी को बचाता है। तो 10 अलग अलग एप्लीकेशन रखने से अच्छा है कि कोई एक एप्लीकेशन रखा जाए। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहली चीज जो हम मिस करने वाले हैं वो है ज़िएट पिरामिड। बेसिकली ज़िएट पिरामिड एक टाइम पिरामिड है जो कि जर्मनी के वेमडिंग शहर में है, जो कि कंक्रीट ब्लॉक्स का एक पाइल, एक ढेर है। दरअसल इस पिरामिड को बनाने की शुरुआत हुई थी 1993 में और तकरीबन हर 10 साल में इस पिरामिड में एक कंक्रीट का पत्थर लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है और 1993 से लेकर के अब तक में केवल 3 ही ब्लॉक लगाए गए हैं, हर 10 साल में एक पत्थर। और इस रफ्तार से ये पिरामिड साल 3183 में कंप्लीट होगा और इस पिरामिड में आखिरी पत्थर लगाएंगे हमारे पर 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 यानी कि हमारे 30वें परपोते के पीढ़ी द्वारा। लेकिन हमारे बाद की 30वीं पीढ़ी भी द चिनोबिल एक्सक्लूजन जोन में नहीं रह पाएगी, जहां पर 1986 में हुए दुर्घटना के बाद भी रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर लोग चाह कर भी बस नहीं सकते। दरअसल चिनोबिल में 1986 में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक विस्फोट हुआ जिसके वजह से 30 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से जानलेवा रेडिएशन फैला हुआ है। वहां के जितने भी बाशिंदे थे मजबूरन उनको अपनी जागीरें छोड़ करके जानी पड़ी और तब से वो 30 किलोमीटर का एरिया जो कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों ओर फैला हुआ है बिना इंसानों के खंडर में तब्दील हो चुका है। उस जगह में आज भी इतना ज्यादा रेडिएशन है कि आज भी वहां पर कोई इंसान नहीं रह सकता और यहां तक कि हमारी 30वीं पीढ़ी जो कि साल 3186 में आएंगे वो भी वहां पर नहीं बस पाएंगे क्योंकि तब भी वहां पर का रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा। यहां तक कि साल 5000 या फिर 10000 साल तक भी वहां पर कोई एक इंसान भी नहीं बस सकेगा और तकरीबन साल 22000 में जाकर के वहां पर का रेडिएशन शायद खत्म होगा और तब जाकर के वो 30 किलोमीटर का एरिया वो स्थान सुरक्षित होगा और शायद हम इंसानी प्रजाति के जीवन काल में या फिर पक्के तौर पे आने वाले 10 लाख सालों में हमारे सूरज से कई गुना बड़े सितारे जैसे कि बीटलग्यूस और ईटा कोराइना जैसे सितारे जो हैं वो निहायत ही खूबसूरत सुपरनोवा में एक्सप्लोड होकर के खत्म हो जाएंगे जो कि हमारी धरती से बड़े आराम से दिखेंगे। और सच कहूं तो यार मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि मैं इस घटना को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो वक्त ही कुछ ऐसा होगा जिसमें कई हफ्तों तक ऐसा लगेगा कि हमारी पृथ्वी के 2 सूरज हैं। भले वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हमारी पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे होगा लेकिन फिर भी वो रात में हमारे पूरे चांद से भी ज्यादा रोशन होगा। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होगी कि वो हमारे रातों को दिन में बदल देगी और वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन सूरज की रोशनी में भी हमें नजर आएगा। लेकिन जो असली स्काई शो है वो तकरीबन 370 करोड़ साल बाद आएगा। अब इस बात को देखो और समझो, हमारी जो आकाशगंगा है वो चारों ओर से सितारों से भरी पड़ी है और जब भी हम जमीन से आसमान की ओर देखते हैं खास तौर पे रात में तो ऐसा लगता है कि जैसे दूध के छोटे छोटे बूंद पूरे आसमान में हर तरफ फैले हुए हैं। तभी तो अंग्रेजी में हम अपनी आकाशगंगा को कहते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन ज्यादातर जो गैलेक्सीज हैं उनका नाम मिल्क यानी कि दूध से मिलता जुलता रखा गया है जैसे कि मिल्की वे मिल्क, लैक्टोस लैक्टिक, गैलेक्टिक। लेकिन जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं और जितने भी सितारे हमें नजर आते हैं वो सारे के सारे सितारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर होते हैं। लेकिन वही आकाश में एक धुंधली सी तिरछे आकार की कोई चीज है और ये चीज कोई सितारा नहीं है, हमारे मिल्की वे का कोई गैलेक्टिक क्लाउड नहीं है बल्कि ये एक दूसरा ही आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये हमारी धरती से 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पे है और इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के मुकाबले
दुगने सितारे हैं और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी तकरीबन 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक गोली की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा है। अब क्या है ना कि अभी के वक्त में आसमान कुछ इस तरीके से नजर आता है और तकरीबन 200 करोड़ सालों में एंड्रोमेडा हमारे इतने करीब आ जाएगा कि जब लोग सर उठा के आसमान की तरफ देखेंगे तो उनको ये दिखेगा। और तकरीबन 375 करोड़ साल बाद हमारा आसमान कुछ इस तरीके से दिखेगा। भले ये साइंस फिक्शन या फिर VFX या फिर हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के स्क्रीन्स में लगे वॉलपेपर की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये 375 करोड़ साल में हकीकत होगा और तकरीबन 400 करोड़ सालों में आसमान कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जो कि बेहद खूबसूरत भी है और काफी ज्यादा डरावना भी, क्योंकि तब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराव कर चुकी होगी। पूरा को पूरा आसमान अलग अलग रंगों से चमकेगा, क्योंकि तब नए सितारों का जन्म हो रहा होगा। चारों तरफ आसमान का मिजाज कुछ और ही होगा, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकरा करके कोलाइड होकर के एक नई गैलेक्सी बनाएगी। अब ये जो सिमुलेशन आपके स्क्रीन में चल रहा है वो ये दिखा रहा है कि आखिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराएगी तो कैसा दिखेगा। लेकिन आप अपने जहन में अपने दिमाग में ये बात जरूर रखें कि आप हर सेकंड में करोड़ों साल को पार होते हुए देख रहे हैं। यकीनन ये गैलेक्सीज बेहद बड़ी है और भविष्य में कभी न कभी आपस में टकराएगी ही। अब कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल तो आएगा कि क्या उस टकराव में हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य मंडल बचेगा, क्या हमारी पृथ्वी बचेगी, हमारा सूरज बच पाएगा। तो जवाब है बेशक बचेगा, क्योंकि दोनों गैलेक्सीज बहुत बड़ी है, बेहिसाब बड़ी है, तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है और होने की गुंजाइश है कि हमारा सोलर सिस्टम उसे बिना छुए ही निकल जाए। लेकिन अगर एक इंसान के पूरे जीवन काल की बात की जाए तो कोई इंसान अगर 100 साल तक भी आसमान की ओर देखता रहेगा तो उसे आसमान में कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा, और वो भी इसलिए क्योंकि ये सारे प्रोसेस को होने में करोड़ों साल लगेगा। और फिर आने वाले करोड़ों सालों में ये दोनों गैलेक्सी मिलकर के एक नए तीसरे गैलेक्सी को जन्म देगी। हमारा पृथ्वी एक नए गैलेक्सी का हिस्सा होगा और शायद तब उस नए और बहुत बड़े गैलेक्सी का नाम होगा मिल्क ड्रोमेडा। और उस वक्त उस गैलेक्सी मिल्क ड्रोमेडा में रहना और बेहद खूबसूरत आसमान को और बनते हुए नए नए सितारों को अपनी आंखों से देखना काफी खुशकिस्मती की बात होगी। लेकिन फिर भी उस वक्त जो इंसानों की पीढ़ी उस गैलेक्सी में हमारी धरती के अंदर रह रही होगी वो काफी सारी चीजों को मिस करेंगी। भले आसमान का नजारा कितना भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, वो चाहेंगे कि हमारे अभी के जमाने में जो जो चीजें बनी है, जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, वो इन सारी चीजों की इन्वेंशन को एक्सपीरियंस करना जरूर चाहेंगे। और क्या है ना कि हर साल हमारा चांद हमारी धरती से 1 सेंटीमीटर दूर होता चला आया है, तो इस हिसाब से हमारा चांद जो है हमारी धरती से 60 करोड़ सालों में इतना दूर हो जाएगा कि वो हमारे सूरज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिसका असर ये होगा कि आने वाली पीढ़ी सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएगी। और क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर हर 10,000 साल में 1 इंच छोटा होता है, तो तकरीबन 70 लाख सालों में माउंट रशमोर, खास तौर पे जो उसमें नकाशी करके चेहरे बनाए गए हैं, वो सभी धूल बन करके झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि ये ग्रेनाइट पत्थर धूल में तब्दील होकर के अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, तो आने वाले 10 करोड़ सालों में सैटर्न अपना एस्ट्रॉइड रिंग खो देगा, क्योंकि ज्यादातर पत्थर ग्रेनाइट है। तो भविष्य की धरती में बचे हुए जीवन के पास देखने के लिए काफी सारे खूबसूरत और अद्भुत नजारे होंगे। एक नया गैलेक्सी होगा, कई सारे लाखों करोड़ों सितारे और नए ग्रह होंगे, लेकिन अफसोस उनके पास उनका चांद नहीं होगा, न ही माउंट रशमोर होंगे और ना ही होंगे आप और मैं, क्योंकि हमारा समय तो तय है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करो और बहुत ही जरूरी शेयर करो मेरे भाई। कुछ कहना चाहते हो आप तो कमेंट तो जिंदाबाद है ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।